प्रतियोगिता का दूसरा राउंड शुरू होता है अब। अजी अम्मा साजी, अब ये सेकंड राउंड में क्या करना होगा जी? भाई ये नए जमाने का खेल है, मैं सब जोड़ियों को एक फिल्म का नाम बोलूंगी और उसे बिना मुंह से बोले इशारों में अपने साथी को बताना है और जो साथी सही नाम पहचानेगा वो जोड़ा ही जीतेगा। ये डमशिरा से? हाँ, लेकिन अम्मा साहब आपको इस गेम के बारे में पता है? तुझे क्या पता, मैं कोई बुढ़ी हूँ? अरे नहीं नहीं अम्मा साहब, आप तो इससे भी जवान है। चल हट। अम्मा साहब, हम दोनों को इस खेल से बाहर रखिए, हम देखेंगे ना। ओ उत्कर्ष भैया, आपसे कितनी बार कहा है कि कभी कभार दुकान से छुट्टी लेकर भाभी के साथ पिक्चर देखने जाया कीजिए आप तो। कार्तिक, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत फिल्में देखी हैं और तुम्हें खेलना है ना, तो चलो खेलते हैं, पता चल जाएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तो हो जाए। शाबाश, जय हो ना बात। पिंदरी, अब तू बता आगे क्या करना है। अब देखो भाई, जिसका साथी फिल्म का सही नाम पहचान जाएगा उस जोड़े को उस फिल्म का एक दृश्य भी करके दिखाना होगा, बस। उसके लिए हर एक को 10-10 मिनट मिलेंगे। ये! अनु, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे ना मम्मी पापा के ना बहुत याद आ रही है, अगर वो होते ना तो कितना मजा आता ना। अनु बेटा, देखो अगर तुम उदास होगे ना तो तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी उदास मत हो, हम सब यहाँ हैं ना तुम्हारे साथ। शाबाश। गहना बेटा, अब थारे से शुरू करते हैं, आ जाएगा। अम्मा सा, ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। भई ये तो करना ही पड़ेगा और वो भी बिना बोले। भाभी, हो जाएगा, आप कोशिश तो कीजिए। ओफो भाभी, अब शर्माना बंद कीजिए और एक्टिंग शुरू कीजिए। अच्छा सा, हम आपको बता रहे हैं। नहीं 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 भाभी, बोलना नहीं, यू कांट स्पीक। दो अम्मा साहब, दो। तो कोई फिल्म का नाम नहीं है, तू ऐसे ही खुश हो रहा है। अरे दो शब्द हैं, पहला शब्द प्यास लग रही है आप, अरे उड़ना है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अरे ओके, कृष्णा, कृष्णा के पहले श्री श्री। दूसरा शब्द चार दो है, बढ़िया, चार दो श्री 420। अब तुम दोनों को इस फिल्म के एक दृश्य की एक्टिंग करनी होगी, चलो। अरे अम्मा साहब एक्टिंग? बिंदी, थारा ये छोरा कितना नाटक करता है, थारे को थारे बिंदी के साथ ही तो एक्टिंग करनी है, किसी गैर के साथ नहीं। चल जल्दी आ, शुरू कर। अच्छा, सिर्फ अनु के लिए। कार्तिक, अगर हमारी मूवी का नाम हार्ड हुआ तुम समझ जाओगे ना? कार्तिक, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एक काम करते हैं, हम लोग ना
एक कोड लैंग्वेज बना लेते हैं। नहीं लवली, तुमने इतने बड़े बड़े नाटक किए, मुझे तुम्हारी एक्टिंग पर पूरा भरोसा है, तुम कर लोगी। पापा ये लीजिए। क्या करें सा? कुछ नहीं, श्री 420 देखी है ना, हाँ। तो उसका वो चाय वाला सीन कर देते हैं। साहब पर बहुत डर लग रहा है हमें। अरे वैसे ही अम्मा साने फंसा दिया है, अब तुम डर रही हो, चलो करते हैं। भैया आप थोड़ा सा ना राज कपूर स्टाइल में कीजिए, मतलब ऐसे कुछ। हाँ हाँ कर रहा हूँ राज कपूर स्टाइल में। हैं जी जी बड़े भैया, वो वैसे पकड़ी ना जैसे वो राज कपूर ने नरगिस को पकड़ा था उस वाली फिल्म में। हाँ हाँ ठीक है समझ गए। छोड़िए जी, क्या कर रहे हैं आप जी? सॉरी जी, गलती हो गई जी, लेकिन क्या करें ना, दिल पे काबू नहीं रहता है जी, वो दिल तो पागल होता है ना जी, है ना जी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, आप क्या कह रहे हैं? वो जी सीधी सी बात ये है जी कि जब एक शरीफ लड़की को एक शरीफ लड़की से प्यार हो जाए ना जी, तो दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जी। कैसे करेंगे शादी जी? शादी के बाद तो बच्चे होंगे, बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी, बच्चे बड़े होंगे, है ना जी? और एक अकेला आदमी इतना बोझ कैसे उठाएगा जी? अकेली नहीं उठा सकते, पर साथ मिलकर उठा सकते हैं जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। इसका मतलब है जी आपको भी। निम्मी आ जाओ। ओ जी निम्मी देवी जी, अपना नंबर आ गया जी, एकदम छा जाओ। यस ऑल द बेस्ट निम्मी भाभी। चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। चुप कर दे। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, दूसरी, तीसरी। टिक टिक वन। ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ता है। टिक टिक टू। अजी भूत खा लेता है। तीसरा कान, तीसरा कान। टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर। जिम्मी तभी जल्दी करो। टिक टिक फाइव। आउट, टाइम।
टाइम अप, अम्मा सा टाइम अप। मुझे पता चल गया। समय समाप्त। अजी निमी देवी जी बैगड़ की कसम आपने ना मेरी ना एक्टिंग की दुकान ही बंद करा दी। हाँ जी ना की कटा दी बैगड़ की कसम। अरे तूने मुंह क्यों लटका लिया? अरे खेल में तो हार जीत होती ही है और तू तो अपनों से ही हारा है ना बेटा। रिया बिंदुनी इधर आओ। हमारा नंबर सबसे आखिरी है। फिल्म का नाम हमें मास्टर ही देंगी और मुझे पक्का पता है सबसे डिफिकल्ट ही देंगी मुझे। ये तो बहुत ही आसान है। कई बार आसान बातें मर्दों की समझ में नहीं आती। अब देखते हैं थारे बीन में कितनी समझ है। हमारी आप देखिए। हम दोनों। हाँ। अरे वाह बिंदनी, थारा बीन तो बहुत ही समझदार है, बिना कहे ही सब समझ गया। तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए रखे। पर अम्मा साहब आपने इनको नाम भी दिया, कितना आसान नाम दिया। प्लीज भाभी। रिया बहू अब एक्टिंग के लिए तैयार हो जा। जी अम्मा साहब। जाना जरूरी है। तुम्हें पाने के लिए अगर तुमसे दूर जाना शर्त है तो जाना जरूरी है। क्या बात है देव साहब? ये मेरी शर्त नहीं, पिताजी की शर्त। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हर हाल में। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, हर पल तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ और इसके लिए इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी आसानी से तुम्हारा हाथ हाथ में दे दें। क्या बात है आदि भैया। उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हमेशा, चाहे दूर से ही। थैंक यू। लवली अब थारी बारी, चला जा। जी अम्मा साहब। ऑल द बेस्ट लवली। ठीक है मासा। सलाम। वॉचमैन। वॉचमैन। हाँ। ये क्या कर रहे हो? वॉचमैन। बोला नहीं, बोला नहीं। अरे इनको छोड़ो, मेरे को देख के बताओ। धागा खींच रही हो? लवली चाची क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो ना। अरे खड़ूस, मैंने देखी है खड़ूस। नाचना है। घूंघट घूंघट घूंघट। अरे चुप करो ना यार, लवली मुझे समझा रही है। क्वाइट, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी करो, हार जाओगे। लवली पहले बताओ कितने वर्ड्स हैं? दो वर्ड्स। सलाम। सलाम के आगे वॉचमैन कर रहा है, कौन कर रहा है? पुलिस वाला। टिक टिक वन, अरे टिक अरे रुक, अब पता चल रहा है क्या? टिक टिक फोर, जी भीख मांगो भी। टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक एट, सलीम। टिक टिक नाइन, टिक टिक टेन, टाइम। अजी हार गया, अजी चीटर भी हार गया, अजी नाक की कटवा दी तूने, कार्तिक अपनी भी और लवली की भी। अरे मैंने बोला ना, मैंने बोला मुगले आजम और टाइम थोड़ा बाकी था। अब के फायदा, समय खत्म होने के बाद तूने बोला है। क्यों कार्तिक, अब फिल्मों के बारे में किसे मालूम है किसे नहीं मालूम है? हाँ ठीक है, उत्कर्ष भैया पुरानी पिक्चर है ना, मैंने नहीं देखी थी। क्या लवली, तुमसे कितनी एक्सपेक्टेशंस थी मुझे, तुमने तो हरा दिया यार। तुम समझ नहीं पाए,
मैंने कितने हिंट्स तुम्हें दी। तो ठीक है, अपना पार्टनर चेंज करो, हाँ मैं जाती हूँ। अरे जा, अपनी बिन्नी को मना के ले आ, जा पहले उसको ले आ, वरना प्रतियोगिता से बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा। लवली, कैसे सीधी साधी लगती है, बोलती के वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। कभी अजीब की पांच बहुए की पांच बहुए। लवली, अरे लवली मेरी बात सुनो, कहां भाग रही हो? लवली, आई एम सॉरी, लवली। हाय, आई एम निखिल चोपड़ा। आई एम सॉरी, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहते हैं? तुम मुझे अपना लव गुरु समझ लो, या एक ऐसा दोस्त जो आज यहाँ तुम्हारी मदद करने आया। वैसे मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, ये लड़कियां बड़े नखरे दिखाती है। बात बात पर गुस्सा करना तो जैसे इनकी हॉबी होती है, और बात ये खत्म नहीं होती, इन्हें मनाने जाओ तो नखरे अलग और गुस्सा और बढ़ने लगता है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लगता है तुमने भी किसी को दिलो जान से प्यार किया है। अरे इस दिल दफन राज को जानने की कोशिश मत करो, फिलहाल तुम सिर्फ अपनी माशूका को मनाने की कोशिश करो। अरे उसी के बारे में तो सोच सोच के थक गया हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे इतना भी मुश्किल नहीं है, नायाब नुस्खा है, सुन लो। सीधी साधी लगती है, बोलती के वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का हसीन लगती, फिलॉसफी का क्रेज है। हो कहती है ये एक फेज है, लड़का ही बन जाता है। लिखूं तो क्या लिखूं, बनूं तो क्या बनूं, ये फिल्मों में लड़का ही क्यों लड़की को पसंद है। लवली, लगता तुम हाय। अच्छा तुम्हें कुछ बताना है, पहले तुम सुनो, मेरे हस्बैंड मेरे लिए गाना गा रहे हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए गाना गा रहा है? सच्चाई बताओ। लवली, लवली मेरी बात सुनो। लवली मुझे बात नहीं करनी,
अरे अच्छी भली इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी थी, तुमने बीच में आके फुल स्टॉप लगा दिया। तुम नहीं देख सकते ना किसी को चैन से जीते हुए? ऐसे झूठ बोलकर चीटिंग करके लव स्टोरी आगे बढ़ाई जाती है? तुमने कभी लव स्टोरी का नाम भी सुना है? ये रोमांस था, रोमांस। अच्छा तो लड़कियों को बुद्धू बनाकर उनसे झूठ बोल के पटाना ये रोमांस नहीं होता? तुम मेरे साथ भी ऐसे करते हो ना? अरे जुबान से झूठ बोल के क्या होता है, दिल सच्चा होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन तुम नहीं समझोगे? नहीं समझूंगी, क्योंकि तुम भी छोटे हो और तुम्हारी बातें भी। अरे हमारे चक्कर में ये खुद लड़ने लगे। कार्तिक इन्हें रोको ना। लव गुरु, आप मेरी लव स्टोरी बनाने आए थे, आप अपनी लव स्टोरी क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये लव गुरु, इन्हें प्यार के बारे में तो दूर दूर तक नहीं पता, प्यार करना आता ही नहीं। अरे अरे अरे, मैं तुम्हारे लिए पेरिस गया, लंदन गया, न्यूयॉर्क गया और तुम मेरे बारे में ये बता रही हो? तो ये तो प्यार में सब करते हैं। एग्जैक्टली, और ऐसे लड़ते भी हैं प्यार, और ऐसे मान भी जाते हैं। सॉरी मैं बुद्धू बनाया, लेकिन उन दोनों को मिलाना भी तो था ना आपस में। नहीं नहीं निकला, आई एम श्योर लवली विल अंडरस्टैंड। चलता है, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। आप दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ लक। सस्कोशिकी पांच बहुएं।